खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिलहाल पवई प्लाजा के यहाँ पर हूँ। यहाँ पर आप देखिए बीएमसी ने यहाँ चारों तरफ ये बैरिकेड लगाकर इसको, इस जगह को, ये पैच को जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि गटर से पानी बाहर आ रहा है। अब गटर से पानी कब बाहर आता है? जब गटर के अंदर पानी जाने का रास्ता ना हो और गटर ओवरफ्लो होने की वजह से पानी बाहर फेंका जाता है। अब हाई टाइड के समय अक्सर ये होता है कि हाई टाइड के समय जब समंदर का पानी ज़्यादा हो जाता है और बारिश लगातार होती है, तो समंदर में पानी जाने का रास्ता नहीं होता तो पानी समंदर के जरिए मुंबई शहर में फेंका जाता है, इस तरह के जो ड्रेनेज सिस्टम या गटर हैं उनके ज़रिए। अब ये क्यों नहीं जाता? क्योंकि कई जगहों पर नाले चौक होते हैं। अब हाई टाइड तो है नहीं, तो हाई टाइड नहीं होने की वजह से पानी बाहर क्यों आ रहा है? तो ज़्यादा बारिश हो चुकी है और इस पानी को, बारिश के पानी को गटर के जरिए बाहर रास्ता नहीं मिल पा रहा, इसीलिए बाहर पानी फेंका जा रहा है। और यही वजह है कि जगह जगह जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है। अब यहाँ पर भी देखिए पानी बाहर आने की वजह से यहाँ जल जमाव हुआ है और ये दिक्कतें देख रहे हैं हम यहाँ पर, किस प्रकार जो है वो लगातार यहाँ पानी बाहर आने की वजह से यहाँ पर पानी जल जमाव हुआ है और लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, गाड़ियों को दिक्कतें आ रही हैं यहाँ से जाने में। तो असल में वजह यही है कि जब पानी जो बारिश का है उसे जाने का रास्ता नहीं मिलता, बाहर फेंका जाता है, या वो हाई टाइड की वजह से हो या नाले और जो ड्रेनेज सिस्टम है जिसके जरिए पानी बाहर जाना चाहिए, अगर वो चौक हो जाए या वो रास्ता ना दे पाए तो इस तरह पानी बाहर आता है। तो इससे महानगर पालिका और प्रशासन की जो कमियां हैं या जो काम उन्होंने नहीं किया उसका पोल ये खोलती है, क्योंकि अगर काम किया होता तो पानी जाने का रास्ता ज़रूर मिलता, क्योंकि अब हाई टाइड नहीं है। जब नाले ही चौक रहेंगे तो पानी बाहर नहीं जाएगा तो शहर के अंदर आएगा और जल जमाव की स्थिति निर्माण होगी। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।